यूपी के कानपुर में टेक्सटाइल यानी कपड़ा के व्यवसायी की 17 साल के बेटे कुशाग्र की हत्या की मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को उस तरीके से जिस मामले को जितना पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही थी उसके एक एक कहते हैं ना वो कपड़े के सीक्वेंस जो बने होते हैं उनको खोल दिया, धागे खोल दिए पूरी तरीके से। पुलिस के मुताबिक 17 साल के युवक कुशाग्र की हत्या उसके ट्यूशन टीचर रचिता ने अपने बॉयफ्रेंड प्रभात और उसके दोस्त शिवा के साथ मिलकर की थी। जैसे ही ये खबर आई पूरा कानपुर तो सन्न ही रह गया था, लेकिन अब यूपी को भी इस खबर ने हिला दिया है। जैसा कि पहले ही आम तौर पर होता है कि कोई घटना घटने के बाद उसमें हर तरीके के रोज नए नए एंगल आते हैं, नए नए खुलासे होते हैं, उसी तरीके का इस मामले में भी हो रहा है। इसको लेकर अब पुलिस की ओर से खुलासा करने का दावा किया जा रहा है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एक चिट्ठी फेंकी गई थी, जो चिट्ठी अब वायरल हो रही है। इस चिट्ठी को समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए इस चिट्ठी के बारे में लिखा था कि किसी धर्म संप्रदाय के प्रति इतनी लोगों के मन में कुंठा भर दी गई है कि अब उसका सहारा एक मर्डर के लिए भी लिया जा रहा है। जी हाँ, चिट्ठी में लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, और इसके बहाने उसमें पूरे केस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से लोगों का ध्यान एक समुदाय के प्रति चला जाएगा और लोग उसे उधर ही उलझ जाएंगे। लेकिन होता है, पुलिस वहां तक पहुंच गई और उस चिट्ठी में मांग की गई थी कि 30 लाख रुपए की फिरौती दे दो तो हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। लेकिन असल में उस बच्चे को तो 3-4 दिन पहले ही यानी कुछ समय पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था और उसको मारने के लिए एक रस्सी की प्लानिंग की गई थी, जिस रस्सी को 3-4 दिन पहले ही खरीदा गया था। कहा जा रहा है कि इस रस्सी को 3-4 दिन पहले ही इन दरिंदों ने खरीद कर रख लिया था ताकि उस समय जब ये घटना को अंजाम दिया जाए, जब उसकी जान ली जाए, तो लोगों को ये पता न चले कि असल में किस सहारे किया गया है। गला घोटकर हत्या कर दी गई थी इस के लिए कुशाग्र को, कुशाग्र की हत्या करने के लिए वही नारियल की रस्सी का इस्तेमाल किया गया, पहले से ही खरीद की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जब गिरफ्तार किया रचिता के बॉयफ्रेंड को, ट्यूशन टीचर के बॉयफ्रेंड को, तो उसने ये चीज़ें उगली हैं कि उसको लग रहा था कि कुशाग्र और रचिता यानी एक शिक्षक शिक्षिका और एक बच्चे का जो ट्यूशन पढ़ता है उन दोनों का चक्कर चल रहा था, जबकि ऐसा केवल उसे लगा, शंका की बदौलत उसने हत्या कर दी। और रचिता ने शायद पहले इस चीज़ को मना किया था, लेकिन अब दोनों की जब एक प्लानिंग तैयार होती है और प्लानिंग तैयार करने के लिए दोनों ने इस्तेमाल किया था किस चीज़ का, वो चीज़ थी क्राइम सीरियल, जो आमतौर पर हर घरों में देखी जाती है और बड़े दिलचस्प कहानियाँ उसमें दिखाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए भी सवाल निशान खड़ा करती हैं कि अगर आपके घर में भी बच्चे इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो उनको ज़रा सेफ करिएगा और ख़ुद भी सेफ रहिएगा। ब्रेन वॉशिंग का काम करता है ये, आपको हर चीज़ें के बारे में बता देगा कि किस तरीके से हत्या की जाती है और हत्या को कैसे छुपाया जाता है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हत्या को छुपा तो लिया जाता है, लेकिन लास्ट में यह सीन जरूर दिखाया जाता है कि किस तरीके से पुलिस जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और कुछ यही हुआ भी इस मामले में भी, छात्र की सीधे सीधे हत्या कर दी जाती है और बाद में खुलासा होता है कि जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया, जो स्कूटी लेकर पर डे वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता था ट्यूशन टीचर के पास, वो स्कूटी भी रचिता के दोस्त यानी रचिता के बॉयफ्रेंड के दोस्त के घर बरामद होती है। घर वालों को भी ये शक होता है कि आखिर उनका बच्चा कहाँ है जिस दिन हत्या हुई होती है, और रचिता क्या करती है छुपाने के लिए इन चीज़ों को, बार बार उसके घर पे कॉल करती है कि कुशाग्र है कहाँ पे, वो लड़की पढ़ाने गई थी, वो शिक्षिका जो है एक जगह पढ़ाने गई थी और वहाँ से बार बार कॉल करती है कि आखिर उनका बच्चा कहाँ है, ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आया, जबकि उसे पता था कि पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसका कत्ल कर दिया है। ये कहानी पूरी दरिंदगी को बयां करती है और एक चीज़ आपको बताती है जरूर कि किसी धर्म के प्रति, किसी समुदाय के प्रति इतना कुंठा मत भरिएगा कि लोग आपको आसानी से गुमराह कर सकें। इन्हीं सारे सवालों के साथ आपको छोड़ूंगा और एक जवाब आपसे भी आशा रहेगी कि इस चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को और अपने पूरे परिवार को जरूर ये बताइएगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इन चीज़ों के प्रति, ऐसे सीरियल्स के प्रति न ध्यान दें। बाकी इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मैं था आपके साथ दिव्यांशु, नमस्कार।